गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई जो बीच में रुक गई है, नेट प्रॉपर बंद कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस तरीके से आप लोग नहीं पढ़ पा रहे होंगे। फिर भी जब भी आपको वीडियो लेक्चर मेरे या किसी भी सब्जेक्ट के आपको मिलते हैं तो आप स्टडी को कंटिन्यू करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और अपना टॉपिक चल रहा है, पेज नंबर 237 निकालिएगा आप लोग आज। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक है अपना। चैप्टर भी काफ़ी दिनों से चला था, 15-20 वीडियो लेक्चर्स इसके हो चुके थे अपने। आज इस चैप्टर को हम फिनिश करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए, हालांकि मैथ से रिलेटेड है, फिर भी अपन कोशिश करेंगे इसको ऑनलाइन, हालांकि ऑफलाइन में ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों के, फिर भी मेरी तरफ से कोशिश है कि आपको यहाँ पर एक सवाल करा सकूँ मैं। तो पेज नंबर 237 टॉपिक है डिस्टेंस एंड स्पीड मेजरिंग डिवाइस। समझना, यहाँ पे टॉपिक है मेजरिंग डिवाइस। आखिरकार डिस्टेंस और स्पीड को किससे मेजर्स किया जाता है, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं। तो आपने व्हीकल देखा होगा, मोटरसाइकिल देखा होगा, फोर व्हीलर देखा होगा, आगे की तरफ उसमें दो गोल गोल जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, गोल गोल से सुइयां ऐसी निकली हुई रहती है। एक में क्या होगा सर, पेट्रोल डीजल का रहता है, स्पीड बताने का होता है। वो जो दो मशीन से होते हैं ना, उसी से डिस्टेंस और स्पीड को मेजर किया जाता है। एक को तो बोलते हैं स्पीडोमीटर, आता है ना कि 40 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, 20 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, 30 की स्पीड से, 50, 100 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, तो वो स्पीडोमीटर बोलते हैं। ऑडोमीटर क्या होता है, कितनी किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। आजकल की गाड़ियों में तो डिजिटल आ रहा है, पहले की गाड़ियों में ऐसे लिखा हुआ आता था कितनी किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है, तो उसे हम बोलते हैं ऑडोमीटर। स्पीड मापने को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्पीडोमीटर। और डिस्टेंस मीटर वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं ऑडोमीटर। You must have been seen meters fitted on the top of scooter, motorcycle and dashboard or car, bus and truck. आपने देखा होगा टॉप ऑफ स्कूटर के ऊपर ही ऊपर, मोटरसाइकिल में, डैशबोर्ड ऑफ द बस, कार, इनके डैशबोर्ड के आगे आगे लगा हुआ आता है मीटर, से तो मशीन लगी हुई रहती है। Not in one of the meters in return kilometer per hour in one corner, एक पे लिखा हुआ था किलोमीटर पर आवर। आप देखिएगा आपके घरों में व्हीकल होगा तो आप लोग वहां देखिए KM/H लिखा हुआ रहेगा। This meter show in the speed of moving vehicle directly is called speedometer। इसके द्वारा हम किसी भी व्हीकल की स्पीड को मेजर कर सकते हैं, जिसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। There is also another meter in the middle of the speedometer that measures is द डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल इन किलोमीटर। एक और मशीन बगल में लगा हुआ रहता है गोल शेप में ही, जिससे हम डिस्टेंस मीजर करते हैं कि कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, उसे हम बोलते हैं ऑडोमीटर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऑडोमीटर। ओके, एक एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल इफ द इनिशियल रीडिंग ऑन द ऑडोमीटर 52,58,519.8 एंड फाइनल रीडिंग 59,119.8 आफ्टर इंटरवल 10 आवर्स देन। तो आप जैसे आप कहीं जा रहे हो सफर पे, ठीक है, तो आपने देख लिया यार गाड़ी अभी इतनी किलोमीटर चली है, जब आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँच गए तो वहाँ पे देखते हो गाड़ी इतने किलोमीटर चल चुकी है, लगभग टाइमिंग 10 आवर्स हो चुके हैं। तो 10 घंटे में कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली, 600 किलोमीटर। हमारी स्पीड क्या रही, मैंने आपको बताया था ना, टोटल डिस्टेंस / टोटल टाइम, 600/10 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपका व्हीकल चल रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर तीन एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, कोशिश करना आप लोग इसको करने की, कितने एग्जाम्पल्स हो चुके हैं और कितने एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हो इसमें। ठीक है, नहीं होते तो मैं आपको करवा दूंगा, डाउट किसी को हो तो आप लोग मेरे से पूछेगा, मैं उन जो नीचे एग्जाम्पल दिए गए तीनों को आप लोग करिएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर आज का कंप्लीट हुआ, और आगे के चैप्टर्स के यदि मैं आपको बता दूँ तो मैंने आपको कौन कौन से चैप्टर करा दिए स्टूडेंट, तो मैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, ठीक है, सेकंड नहीं करवाया है मैंने, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक में चैप्टर नंबर सेकंड मैंने नहीं करवाया है। उसके बाद यदि मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 13, 16, 17, 18 इधर ये करा दिए मैंने, लगभग इसमें 4 और 5, 9 चैप्टर आपके यहाँ भी कंप्लीट करा दिए हैं। आपके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर के, और भी जिन चैप्टरों का यदि कोई रह रहा होगा, यदि किसी बच्चे पे अवेलेबल नहीं है तो मेरे से ले सकता है नंबर करके, मैं उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।